आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 288 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 126। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 288 और 126 दोनों का हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 288 का फाइंड आउट करते हैं और फिर हम फाइंड आउट करेंगे 288 का, 126 का। ठीक है, तो ये है 288 का, 2 से डिवाइड किया तो आया 144, फिर 2 से डिवाइड किया तो मिला हमें 72, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 36, जब तक इवन नंबर है 2 से डिवाइड ही करना है 18, फिर 2 से डिवाइड किया आया 9, 3 से किया 3 और अगेन 3 से किया तो आ गया 1। तो ये तो हो गया, हमने फाइंड आउट कर लिया 288 के फैक्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से अब हम फाइंड आउट करेंगे 126 के भी। 126 का 2 से किया तो 63, अब ये आ गया इवन नंबर, 3 से करा 21, अगेन 3 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1। फैक्टर लिख लेते हैं अब हम इनके, तो लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट ऑफ 288 है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 126, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट में है तो हम कट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स को। यहाँ पे है 5 टाइम्स 2, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो इसमें कितने बार है, एक ही टाइम 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 7 है। अब जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, दोनों 3 से दोनों 3 कैंसिल आउट। अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट में 4 टाइम्स 2, मतलब इसकी तो इजीली पेयर होके स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ रूट 7 है। यहाँ पे हमारे 2 के दो पेयर बने, तो एक 2 एक 2, मतलब आंसर हो गया इधर से 4, तो यू गेट 4 अपॉन रूट 7। या तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर दूसरा मेथड ये है इसको कंटिन्यू करने का कि हम रूट 7 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ले। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लॉन्ग डिविजन मेथड, इस मेथड से नहीं हो सकता। तो हम निकाल लेते हैं रूट 7 का स्क्वायर, तो 7 लिखेंगे। अब हमें ऐसे नंबर सोचना है जिसका सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 7 आए या 7 से छोटा आए, तो ऑब्वियस है 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा आप लिखेंगे 4, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचा, डेसिमल लगाएंगे हम यहाँ पे और 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 का डबल यहाँ पे 4 हो जाएगा, 46 6 जा इट विल बी कितना हो जाएगा 276। ठीक है, अब इसको फिर से हम माइनस कर देंगे, अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 376 के 24, डेसिमल तो लगाइए, दो जीरो और उतार लेते हैं, 26 का डबल 52, 52 यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 और आया ये हमारे पास 2096। फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे डेसिमल के बाद, बस 2 प्लेस तक ही निकाल देते हैं, माइनस कर दे रहे 304, हमने ले लिया 2.64। तो मतलब कहने का आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2.64, और सिंपली अब आप इसको 4 को डिवाइड कर दीजिए तो 4 डिवाइडेड बाय 2.64 आंसर आएगा 1.5151, रिपीटेशन चलेगा। तो मतलब आप इसको किस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1.51 पे बार, क्योंकि जब रिपीटेशन होता है सेम नंबर का उस पे हम बार लगा देते हैं। So you can say this is our final answer of the given question. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें DoubtNet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।